नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट भाई की तरफ से, वीडियो देखने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करा हो अब तक, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसके नीचे जो छोटी सी थम्स अप बटन है उसे कृपया करके प्रेस करिए। चलिए अब इत्मीनान से वीडियो देखिए। जय हिंद। दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि बचपन में ज्यादातर मैं हिंदी म्यूजिक सुनता था। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश गाने नहीं सुनता था। मेरे फादर और मदर दोनों इंग्लिश के ऑडियो कैसेट्स और एलपीज सुनते थे घर पे। मगर एक बाई कल्चरल बच्चा होने के नाते मेरे कानों में दोनों इंग्लिश और हिंदी म्यूजिक बजते थे। पिताजी अगर द बीटल्स, बॉब डिलन और द ईगल्स जैसे अमेरिकन और ब्रिटिश बैंड्स के गाने सुनते थे तो उतना ही कॉमन था घर पे एसडी बर्मन, आरडी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने। और इस म्यूजिकल एजुकेशन में किसी तरह मेरे कानों को हिंदी फिल्म म्यूजिक ज्यादा पसंद आए। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश के गाने से कनेक्ट हुआ। मगर द बीटल्स और बॉब डिलन के गाने खासकर मुझे अब भी याद है। तो ये एक जुगलबंदी जैसे हो गया इंग्लिश और हिंदी गानों का। अब हुआ ऐसे कि छठी क्लास में मैं मुंबई के अमेरिकन स्कूल में शिफ्ट हुआ। ये 1992 की बात है और उस समय मेरे सिवाय कोई इंडियन स्टूडेंट्स वहां नहीं पढ़ते थे। अब मसूरी के हॉस्टल में माइकल जैक्सन के गाने सुने थे और घर पे जो इंग्लिश म्यूजिक सुना था वो याद था। मगर अचानक एक नए स्कूल में जाके मुझे बहुत सारे किस्म के रॉक और रैप म्यूजिक सुनाई दी, और कूल होने के लिए मुझे एक्टिंग करनी पड़ी कि मैं इन सब बैंड्स के म्यूजिक से फेमिलियर था। गन्स एंड रोजेस, ACDC, जॉन बॉन जोवी, निर्वाना, डेफ लेपर्ड वगैरह वगैरह। इनिशियली मैं पकड़ा गया और क्लासमेट्स हंसते थे जब भी मैं किसी हिट गाने के लिरिक्स नहीं गा सका उनके साथ। अब उस समय इंटरनेट नहीं था और हम रेडियो नहीं सुनते थे, तो बॉम्बे के जो मशहूर म्यूजिक शॉप्स थे जैसे कि रिदम हाउस, क्रॉसवर्ड, वहां जाके मुझे बचाए हुए पैसों से इंग्लिश म्यूजिक कैसेट्स खरीदने पड़े और घर पे जाके अपने आप को कमरे में लॉक करके इन सारे पॉपुलर गानों को लूप पे सुनता था। और ये करके मेरी पकड़ मजबूत हुई उन गानों पर। अब मुझे अंग्रेजी तो आती थी ऑलरेडी, मगर उन 3 सालों में जो इंग्लिश गाने मैंने सुने उनसे मेरी नॉलेज बढ़ी सच में। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ इंग्लिश बैंड्स के नाम और एल्बम्स और गाने शेयर करूं, ताकि अगर आप में से कुछ व्यूअर्स हैं जो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो शायद आपको फायदा हो। आज वैसे ही इंटरनेट का जमाना है तो आप YouTube और कोई भी स्ट्रीमिंग डाउनलोडिंग साइट्स पे आसानी से इनके गाने सुन पाओ। तो चलिए बताता हूं आपको कुछ इंग्लिश गानों के बारे में जिनसे मुझे लगता है कि आपकी इंग्लिश शायद बेहतर होगी। द बीटल्स, शायद इतिहास में इनसे बड़ी कोई रॉक एंड रोल बैंड नहीं आई है और ना आएगी। मेरे पेरेंट्स बड़े फैंस थे इस ब्रिटिश बैंड के और बचपन से द बीटल्स के गाने सुनते आया हूं मैं, और दावे से कह सकता हूं कि ऐसे गाने सुन के मेरी इंग्लिश छोटे उम्र से और भी अच्छी हुई। हां, कई लिरिक्स हैं द बीटल्स के करियर में जो कंफ्यूजिंग हैं, मगर अगर हम उनके पहले 3-4 एल्बम्स देखें तो काफी सिंपल और फन लिरिक्स हैं इनके, जिन्हें सुनकर और फिर गूगल में पढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है इंग्लिश लैंग्वेज की। एल्बम प्लीज प्लीज मी के सॉन्ग्स हैं आई सॉ हर स्टैंडिंग देयर, लव मी डू, ट्विस्ट एंड शाउट, अ हार्ड डेज नाइट एल्बम से टाइटल ट्रैक, कैंट बाय मी लव, थिंग्स वी सेड टुडे और टेल मी व्हाई, हेल्प नाम के एल्बम से यू गॉट टू हाइड योर लव अवे, टिकट टू राइड और येस्टरडे। हाँ, कुछ मशहूर गाने हैं द बीटल्स के जिन्हें बचपन में सुन के मेरी अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंग्लिश लैंग्वेज की, क्लासरूम और घर के बातचीत करने के अलावा। द ईगल्स एक अमेरिकन बैंड है और मेरे फादर इनके फैन थे, तो द बीटल्स की तरह बचपन से द ईगल्स के गाने घर पर सुनते आया हूं और इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर समझने में इनके गानों ने मेरी हेल्प की। 20वीं सदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली म्यूजिक एल्बम इन्हीं की है, द ग्रेटेस्ट हिट्स 1971 टू 1975। ऑनलाइन चेक कर लीजिए इनके गाने, टेक इट इजी, टेक इट टू द लिमिट और टकीला सनराइज अच्छे गाने हैं जिन्हें सुन के मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी थी बचपन में।
जब मसूरी छोड़ के हम वापस मुंबई शिफ्ट हुए 1992 में, तो नए स्कूल में कूल होने के लिए मुझे जल्दी नए रॉक बैंड्स के गाने सीखने पड़े, और इनमें से एक थी पॉपुलर अमेरिकन बैंड बॉन जोवी, और उनके गाने सुन के मेरी वोकैबुलरी वाकई में इंप्रूव हुई एक 11 साल के लड़के के लिए। इनके बहुत फेमस एल्बम्स हैं, आप चाहे तो इनके 1994 में रिलीज की गई एल्बम क्रॉसरोड से शुरू कर सकते हैं। इस एल्बम में बॉन जोवी के उस समय तक की बेस्ट गाने चेक कर लीजिए। इस एल्बम में बहुत रेंज है, और मुझे लगता है कि इन गानों की लिरिक्स सुन के और पढ़ के आपकी अंग्रेजी पे पकड़ तगड़ी हो सकती है। मेरी फेवरेट इंग्लिश लैंग्वेज रॉक बैंड U2, ये एक बहुत फेमस आयरिश बैंड है, जिनके लीड सिंगर बोनो की आवाज और गिटारिस्ट द एज की जोड़ी कमाल की है। इनके सारे एल्बम सुने हैं मैंने, और स्कूल में स्पेसिफिकली हाई स्कूल के टाइम यूट्यूब के गाने मैं अपने वॉकमैन पे रिपीट पे सुनता था, और वाकई में मेरी अप्रिशिएशन ऑफ म्यूजिक बढ़ी इससे। हाई स्कूल तक तो ऑफ कोर्स इंग्लिश की पूरी पकड़ थी मुझे, मगर मैंने देखा कि आसपास के कुछ हॉस्टल के लड़के थे जो इनके गाने सुन के काफी प्रभावित हुए, और खासकर उनकी इंग्लिश मजबूत हुई इससे, तो इसलिए मैंने आज यूट्यूब का नाम इंक्लूड किया। आप इनकी ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम चेक कर लीजिए, और विथ और विदाउट यू, Where the streets have no name, I still haven't found what I'm looking for, all I want is you, or sweetest thing जैसे गानों को चेक करिए। दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत जरूरी है बोलने वाले को समझना, और म्यूजिक एज ए लर्निंग टूल की बात करें तो ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले मेरे हिसाब से काफी हेल्पफुल है। इनके लिरिक्स ओवरऑल अगर देखे पिछले कुछ 21 साल से काफी सिंपल है टू अंडरस्टैंड। आप इनकी शुरुआत के दो एल्बम्स देख लीजिए, 2000 में रिलीज की गई पैराशूट्स और 2002 की अ रश ऑफ ब्लड टू द हेड। इन एल्बम्स में कई गाने हैं जिन्हें सुन के आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ मजबूत हो सकती है, मुझे लगता है। बाकी कोई सजेशन या क्वेश्चन हो मेरे लिए तो दोस्तों नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल साबित होगी। अगली मुलाकात तक स्टे सेफ। जय हिंद।